ब्यूटीफुल पीपल कैसे हैं आप सब लोग आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम चैनल के ऊपर गाइस मैं पूरी प्रे कर रही हूँ आप खुश हों स्वस्थ हो मस्त हो अच्छे से हों घरों में एकदम अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी को बिताने की कोशिश कर रहे हूँ पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हूँ गाइज कोरोना हद बढ़ा हुआ है और वापस से ये जो दूसरी लहर पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से आ गई है और इसके अंदर अपना अपना प्लीज आप बचाव कीजिएगा मास्क ठीक से लगाएं, हमेशा सेनेटाइज़र यूज़ करें घर से घर से बाहर जाके वापस आए तो नहाएं अच्छे से कपड़ों को धोएं, साफ़ सुथरा रहने की कोशिश करें मोर ओवर डिस्टेंस मेंटेन करके रखें है ना चलिए तो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग और देखने की कोशिश करते हैं कि आप, आपके जो पार्टनर हैं वो और उनके साथ जो थर्ड पार्टी है लाइक आप दोनों के रिलेशन में जो थर्ड पार्टी अब ये थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है फ्रेंड्स हो सकते हैं नेगेटिव इन्फ्लुएंसर हो सकता है या फिर करियर मिसअंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स या फिर सच में कोई लड़का लड़की ठीक है तो थर्ड पार्टी जो भी आप दोनों का सेपरेशन बढ़ा रही है उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है मजिशियन ओके एरीज लियो सर्जिटेरियस हो सकते हैं आप लोग या फिर आपके पार्टनर हेरोफेंट, ओके okay. टॉरस हो सकते हैं आप लोग या आपके पार्टनर एम्प्रेस ओके okay. टॉरस और एरीज लियो एंड देन वी हैव हाईप्रेस्टिस देखो यहाँ पे ना बहुत कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी लड़की है या कोई अदर लड़का है ठीक है बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी कोई लड़का या कोई लड़की है ज्यादातर केसेस में जो भी आज की रीडिंग को देख रहे हैं ज्यादातर केसेस में मुझे यही लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी है थर्ड पार्टी है आपकी मदर ठीक है आपकी मदर इन लॉ आपकी मदर आपकी मदर फिगर हो सकता है आपकी मदर थर्ड पार्टी है या फिर इनकी मदर थर्ड पार्टी है या फिर कोई मदर नहीं है प्रॉपर तो कोई मदर फिगर हो सकती है जो थर्ड पार्टी है ठीक है ओके अगर यहाँ पर देखें इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है तो बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास फूल का कार्ड अगेन फायर साइन गाइज अच्छा तो नहीं चल रहा है कुछ भी अगर आप लोग इस पर्सन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो ना तो फॉर श्योर मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बंदे तक वो सारी वाइब्स पहुंच रही हैं आप प्लीज़ वो बंदा बंदी वाला चक्कर ना करें टाइमलेस जेंडरलेस रीडिंग है ये आप लोग जब भी देखोगे जिसके लिए भी देखोगे आपसे रेजोनेट करेगा फॉर बींग अ फीमेल दिस इज रियली वेरी इजी फॉर मी कि मैं इस तरीके से करूं ठीक है लाइक बंदा एंड ऑल तो इसको ऐसा ना समझे कि सिर्फ लड़कियों के लिए रीडिंग है लड़के भी देख सकते हैं हाँ जी तो uh, जो चीज़ मैं देख रही हूं आपके पर्सन और ये थर्ड पार्टी यानी उनकी जो मदर फिगर है उनके बीच चल रहा है चक्कर बहुत ही तगड़ा वाला ये बंदा बहुत ज्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहा है ठीक है आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो लाइक जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रहा है ठीक है इनको आपकी याद भी बहुत आती है ये आपके बारे में सोचते भी बहुत ज्यादा है इनके दिमाग में ट्वेंटी फोर एंड सेवन लाइक ट्वेंटी फोर एंड सेवन आप चलते रहते हो आपका थॉट चलता रहता है आप जो भी प्रेयर्स करते हो जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आप यूज करने की कोशिश करते हो वो जा करके वहां पर लगती है बहुत तगड़े तरीके से ठीक है एंड देन लेकिन चक्कर ये फंस रहा है कि वो अपनी मदर को कैसे छोड़कर आए हालांकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं इस चीज का आभास हो गया है कि ये मदर फिगर मेरे लिए ठीक नहीं है ये मेरी खुशियां तो चाहती हैं लेकिन इनकी खुद की अपनी ग्रीड है जो कि पूरी नहीं हुई तो ये मेरी वाट लगा देंगी इनके दिमाग में ये भी पॉइंट है ठीक है तो इनको कहीं ना कहीं इस चीज का आभास हो गया है कि इनकी बहुत बड़ी गलती है कि अपनी मदर के ऊपर या इस मदर फिगर के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं बट द थिंग इज कि माँ है माँ मा को छोड़ा भी नहीं जाता है ठीक है ये चल रहा है इन दोनों के बीच में तो एक तरीके की अनबन कह सकते हो आप लोग जो चलते हुए मैं देख रही हूं ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके पार्टनर है वो कहीं ना कहीं अपनी इस मदर पर्सनैलिटी को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं समझाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है लेकिन वो समझा नहीं पा रहे हैं और इसलिए ना उनका दिल भी बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है दे फील कि पता नहीं ज़िंदगी में क्या ही हो रहा है और कुछ अच्छा कभी होगा भी या नहीं होगा उनके पास कोई आइडिया नहीं है वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे फॉर श्योर sure, इनकी ये जो मदर है या मदर फिगर है कार्मिक है ठीक है अभी मैं मदर फिगर बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार ना बहन वगैरह भी होती हैं जो कि अपनी किसी ग्रीड के लिए ना हाँ मदर फिगर फॉर श्योर तो जो बहन वगैरह होती है ना ये भी होती हैं कई बार मदर फिगर ही होती है ना बड़ी बहन माँ समान होती है तो वो भी कहीं ना कहीं पंगा क्रिएट कर ही देती हैं ठीक है वही चीज दिख रही है हाई प्रिस्टेस द Of Pentacles, एक कार्ड और देखते हैं, दो नहीं एक कार्ड किंग ऑफ वॉन्स ठीक है बॉटम ऑफ द टैक क्या है हमारे पास नाइन ऑफ सोर्ट जैसा कि मैंने कहा था इस बंदे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं महसूस हो रहा है और अभी ये सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं हाँ बट टॉपिक ये नहीं है हमारा हम लीक से नहीं भटकेंगे आज हमेशा ऐसा हो जाता है मेरे साथ कि मुझे जो भी जो भी इंट्यूशन आ रहे होते हैं जो भी चीज़ें आ रही होती हैं मैं बताती रहती हूँ बट ऐसा नहीं है हम लीक से हट जाते हैं वीडियो का टॉपिक कुछ होता है रीडिंग कुछ और हो जाती है फिर फिर काफ़ी लोग कमेंट्स में जा कर के बोलते हैं तो इससे बेटर ये है कि जो इंट्यूशन आ रहे हैं उसको साइड में रखूँ और जो टॉपिक है उससे रिलेटेड बताऊँ हाँ जी तो इन दोनों के बीच में किसी तरीके की समझाइश चल रही है समझाइश इन सेंस ये आपके पर्सन उनको समझाते हैं वो इनको समझाती हैं फिर ये मुंह फुला के बैठ जाते हैं वो मुंह फुला के बैठ जाती हैं और दोनों के बीच में खींचतान चल रही है अच्छी खासी वाली इनको ऐसा भी लगने लगा है जैसे कि मैं एक, एक लूप में फंस गया हूँ और इस लूप से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ कुछ अच्छा क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ और अब सब कुछ खराब ही है लेकिन ये इनकी इज्जत करते हैं ठीक है इनकी मदर जो है या मदर फिगर जो है इनकी काफी ज्यादा इज्जत करते हैं और इनकी इज्जत करने के चक्कर में ही ये शांत बैठे हैं वरना अब तक आपको कब का कमिटमेंट या फिर कॉल मैसेज रिसीव हो चुका होता ठीक है कई लोग मुझसे कहते हैं मैम रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं बट पर्सन स्टेप नहीं स्टेप नहीं ले पाता है क्यों नहीं ले पाता है भाई इसलिए नहीं ले पाता है क्योंकि ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है ठीक है एनर्जी इज बिकम वाइस वर्सा या आपकी एनर्जी भी हो सकती है आप हर वक्त इस पर्सन को अपने जहन में रखते हो ये भी गलत है ठीक है हर वक्त इसके बारे में नहीं सोचना है आपको अपने बारे में भी सोचना है फॉर श्योर ओके तो ये पर्सन आपको अब तक कब का कमिटमेंट कॉल मैसेज दे चुका होता अगर ये इनकी इतनी ज्यादा इज्जत नहीं करता और हो सकता है आपको ये जो चीज है इस बंदे की बहुत पसंद है कि यार देखो ये अपनी माँ के लिए कितना ज्यादा डिवोटेड है ठीक है और हम बचपन से पता नहीं आप लोग सुन पाए हो या नहीं सुन पाए बट तो मैंने बहुत बार सुना है अपनी मदर से ये चीज कि अगर कोई लड़का या अगर कोई लड़की अपनी मदर से इतना प्यार करती है या करता है कि उनके लिए वो सब कुछ कुर्बान कर देने की क्षमता रखते हैं तो सोच के देखो कि वो अपनी बीवी को या अपने पति को कितना ज्यादा प्यार करेंगे ठीक है तो वही चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है तो ये अपनी मदर से इतना ज्यादा प्यार करते हैं ना कि इनको पता है कि वो गलत कर रही है इनके साथ बट स्टिल वो हामे हाँ नाम ना मिला रहे हैं और वो वो कह रहे हैं कि हाँ भाई क्या करूं मैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ठीक है इसलिए ये बंदा सिर्फ और सिर्फ अभी अपने करियर पे फोकस कर रहा है तो इन दोनों के बीच में अगर आज के टॉपिक की हम बात करें तो इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है समझाना आपके पर्सन अपनी मदर फिगर को या अपनी मदर को इस थर्ड पार्टी को काफी ज्यादा समझाने में लगे हुए हैं और ये समझने का नाम नहीं ले रही है इनफैक्ट ये अपनी ही कहते हैं ना टेक लगा के बैठे रहना तो ये अपनी ही टेक लगा के बैठी हुई है कि नहीं और ये बंदा ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है और इनको पता है कि इनको ऊर्जा इनको पॉजिटिविटी सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करके मिलेगी बट इनके दिमाग में है कि पता नहीं होगा नहीं होगा ठीक है ये चल रहा है इनके दिमाग में हद वाला एडवाइस कार्ड क्या है हमारे पास कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस शो द वर्ल्ड रियल यू एंड नथिंग इज़ येट सेट इन टू द स्टोन अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि भाई कुछ भी सही नहीं होने वाला है या कुछ भी सही नहीं होगा तो ऐसी बात नहीं है कुछ भी पत्थरों में जड़ित नहीं है कि अब उसको बदला नहीं जा सकता ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया को दिखाएं कि आप क्या है कि आप अपने करियर में कितना कुछ अच्छा कर सकते हो कॉन्फिडेंस आपकी सक्सेस की है लुक एट द बिगर पिक्चर और आपने क्या करना है अपनी जिंदगी की जो बिगर पिक्चर्स है ना बड़ी बड़ी जो पिक्चर्स है उनके ऊपर ध्यान देना है ना कि नेगेटिव और छोटी पिक्चर्स की तरफ समझे? तो विन विन आउटकम जरूर आएगा आपकी जिंदगी में ओके सो दिस इज ऑल अबाउट टू डेज रीडिंग ये जो मदर फिगर है इन्होंने बैंड बजाई हुई है बुरी तरीके से और आपके पार्टनर अभी इनसे जूझ रहे हैं ठीक है थेके? तो ये चल रहा है आपकी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच सो दिस इज ऑल अबाउट डेज वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें किसी भी तरीके की पर्सनल पेड व्हाट्सएप सेशन्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं एंड इंग्लिश ट्रिपल वन टैरेट चैनल जो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है आप लोग उस चैनल को चेक इन कर सकते हैं जल्द ही मैं कलेक्टिव रीडिंग्स जितनी भी होंगी उसके ऊपर मैंने सोचा पिकअ कार्ड नहीं मैं कलेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा डाला करूंगी ताकि वो लोग जिनको पिकअ कार्ड में प्रॉब्लम आती है वो वहां पर ईजिली देख पाए ठीक है तो गो एंड वॉच दैट चैनल ऑल्सो एंड सब्सक्राइब दैट ऑल्सो अगर आप लोगों को पसंद आए तो अपना अपना ध्यान रखिएगा प्लीज़ कोविड में अपना अपना ध्यान रखिएगा पॉजिटिव रहिएगा बाय